सो एन सी बी एस ने जैब्राफिश स्टडी किया है उसमें रिवील किया है हाउ द ब्रेन मेक्स इट्स कनेक्शन कैसे ब्रेन कनेक्शन बनाता है सो एन सी बी एस ने स्टडी किया जेवरा फिश पे स्टडी रिवील्स हाउ द ब्रेन मेक्स इट्स कनेक्शन तो एन सी बी एस का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायलॉजिकल साइंसिस बैंगलौर कर्नाटका नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज इन बैगलोर कर्नाटका इज़ अ रिसर्च सेंटर स्पेशलाइजिंग इन बायोलोजिकल रिसर्च में एक रिसर्च सेंटर है इसका नाम है एन सी बी एस दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल लोकेटेड इन बैंगलोर और ये पार्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी के अंडर है टी आई आई टी आई एफ आर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का ही पार्ट है ये नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बैंगलोर कर्नाटक रिसर्च सेंटर स्पेशलाइजिंग इन बायोलॉजिकल रिसर्च एंड इज द पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो मैंडेट क्या है इट्स द बेसिक एंड इंडर डिसिप्लिनरी रिसर्च इन द फ्रंटियर एरियाज ऑफ द बायोलॉजी

उससे so, यहाँ पे दो टाइप के सिनेप्सिस होते हैं एक होता है केमिकल सिनेप्सिस एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस दो सिनेप्सिस होते हैं केमिकल इलेक्ट्रिकल तो केमिकल सिनेप्स कब होता है जब स्पेस हो 20 नैनोमीटर का ठीक है दो तो न्यूरॉन्स के बीच में 20 नैनोमीटर का स्पेस हो तो हमारा केमिकल स्नैप्सिस होगा तो यहाँ पे कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक न्यूरॉन कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टू केमिकल सिग्नल तो एक इलेक्ट्रिकल तो आप कनेक्टेड है नहीं बीस नैनोमीटर का डिफ्रेंस है तो उसमें क्या करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा फिर जाके फिर वो केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो जब न्यूरॉन्स के बीच में बीस नैनोमीटर का डिफरेंस होता है तो केमिकल सिनेप्स के थ्रू ट्रांसफर होता है कम्युनिकेशन सो so, एक न्यूरॉन क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में चेंज करता है और रिलीज करता है इन द सिनेप्टिक स्पेस एंड द रिसीविंग न्यूरॉन तो जिसके पास जाएगा वो केमिकल सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा सो so, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजेगा फिर केमिकल सिग्नल दूसरा न्यूरॉन फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो केमिकल सिनेप्स कब बना था जब दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं है और दोनों के बीच में स्पेस 20 नैनोमीटर का तब बनता है और जब इलेक्ट्रिकल सनेप्स कब होता है जब दोनों न्यूरस कनेक्टेड है एक साथ दोनों न्यूरस कनेक्टेड है तो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल ले, ले, सैनेप्सिस तो जब दोनों न्यूरॉन कनेक्टेड है तो वायर की तरह ट्रांसफर होगा जैसे वायर में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का उसी तरीके से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में बिकॉज दोनों न्यूरॉन क्या है भी कनेक्टेड है सो so, हमारे ब्रेन से कनेक्शन बनाते हैं भाई टू टाइप ऑफ स्नैप्सिस इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल स्नैप्सिस केमिकल कब होता है जब कनेक्शन ना हो 20 नैनोमीटर का डिफरेंस हो दो इलेक्ट्रिक इलेक्ट elect, हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल कब होता है जब दोनों का कनेक्शन हो दोनों जुड़े हुए हों और इलेक्ट्रिसिटी की तरह ट्रांसफर होता है कम्युनिकेशन देन किसने किया है स्टडी एन जो बैंगलोरो बेस्ड है एंड इज़ अ पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ एट एनर्जी